हेलो वेलकम टू केन स्टडीज डेली एम सी क्यू करेंट अफेयर्स में आज हम ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई का एम सी क्यू करेंट अफेयर्स दिखेंगे फर्स्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो आपका है वो आपको ट्वेंटी जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इस बार का जो थीम है यानी कि ट्वेंटी ट्वेंटी जो है उसका थीम आपका जो है फ्री फ्यूचर हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर ठीक है तो हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर इस बार है तो मदर और newborn में जो है hepatitis B को ए, hepatitis को खत्म करना। अब देखो हेपेटाइटिस के मेन जो है वो फाइव प्रकार होते हैं यदि ज़, फाइव प्रकार हैं ए बी सी डी ई e, जिसमें से आपका हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है वो सबसे अधिक होता है ठीक है तो पांच प्रकार के हैं ए बी सी डी, ई और उसमें से आपके दो प्रकार के जो होते हैं बी और सी काफी प्रिवेलेंट है और जो से नॉर्मली है वो 1.3 मिलियन पीपल का डेथ हो जाता है और बहुत सारे लोग ये सफर करते हैं तो इनफैक्ट हेपेटाइटिस का वैक्सीन अवेलेबल है लोग जो भी बहुत लोग लेते हैं इनफैक्ट जैसे आ, आप एज असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि ज्वाइनिंग लेटर में आपका लिखा हुआ रहेगा कि हेपेटाइटिस का वैक्सीन आपको लेना है हम लोग का जब ज्वाइनिंग आया था तो वो चीजें लिखा हुआ था तो ये इसका शी हो जाएगा नेक्स्ट विच कंट्रीज इंटेरियर मिनिस्टर हाइचिम मेची

डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम ऐप का लॉन्च किया आज के डेट में देखो डिफरेंट जो है चाहे वेदर फोरकास्टिंग हो या फिर पॉल्यूशन लेवल हो ये डिफरेंट चीजों के लिए लॉन्च ऐप किया जा रहा है उससे क्या है कि एक तो पब्लिक से लेकर के हर कोई जो है डिफरेंट प्लेसेस को के में क्या सिचुएशन होने वाला है उस चीज को ट्रैक कर सके तो इसका ए हो जाएगा नेक्स्ट एंड इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम

एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और वो कभी फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और, uh, doctor, है, well है, और वो चाइना के साथ भी उनका uh, चाइना में एम्बेसडर इंडिया के रह चुके हैं इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इंडिया के एम्बेडर रह चुके हैं और जो इंडिया अमेरिका रिलेशन है उसको सुधारने में और जो वर्तमान स्थिति में लाने में इन, uh, इनका भी अहम योगदान

भी रह चुके हैं बाई रेड्डी बाई रेड्डी जो है, 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 है माइकल दी पात्रा भी डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं तो ये इसका बिरल भी आचार्य होगा बी इसका एंसर आपका होगा नेक्स्ट रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया वाज हेल्ड इन तो ये न्यू दिल्ली में हुआ Uh, देखो डिफरेंट कंट्री के साथ साथ, अस, के साथ जो डिफेंस के क्षेत्र में है जैसे हमारा रसिया हो गया इंडोनेशिया हो गया जापान हो गया अमेरिका हो गया जैसे ज, जापान अमेरिका ये सब के साथ टू प्लस टू डायलॉग होता है आज के डेट में स्टार्ट हुआ है टू प्लस टू डायलॉग यानी कि डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और अमेरिका के सपोज डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो वहाँ सेक्रेटरी बोला जाता है ठीक है तो वो पार्टिसिपेट करते हैं सेम जापान के साथ टू प्लस टू डायलॉग होता है कुछ के साथ जैसे अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी अ... रसिया भी गए थे, थे तो उसमें हम डिफरेंट कंट्री के साथ ना कहीं इंडिया चाइना और ये सारी चीजों को देखते हुए प्रॉपर तरीका से चाहते हैं के लिए। तो इसका बी हो जाएगा नेक्स्ट इंडिया हैज हैंडेड ओवर टेन ब्रॉड गेज रेलवे लोकोमोटिव टू विच कंट्री तो ये बांग्लादेश है देखो जो भी रेलवे है वो 3 गेज uh, होते हैं एक ब्रॉड गेज ब्रॉड गेज में जो uh, दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस होता है वो आपका 1.76 मीटर होता है ठीक है मीटर गेज में 1 मीटर होता है नैरो गेज में आपका 0.762 मीटर होता है ठीक है तो ब्रॉड गेज में 1.676 मीटर मीटर गेज में 1 मीटर और नैरो गेज में 0.762 मीटर तो ये जनरली अब कुछ एक जगह जस्ट एक तरह से ना बस जो हेरिटेज के तौर पे चल रहा है ये एक्टिव में नहीं चल रहा है हेरिटेज के तौर पे मेनली आपका इंडिया में जो मेजोरिटी नाइनटीन नाइनटी प्लस परसेंट जो है वो आपका ब्रॉडगेज में है तो उसके पटरियों के बीच जो है सॉरी वन पॉइंट मीटर का डिस्टेंस होता कुछ एक एरिया में जैसे हिली वगैरह में आपका अभी मीटर गेज भी चल रहा है तो इसका बी होगा नेक्स्ट है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन आई आर सी टी सी एंड विच बैंक है न्यू को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड ऑन रूपे प्लेटफॉर्म तो ये एस बी आई के साथ किया है नेक्स्ट विद रेफरेंस टू सेरोलॉजिकल सर्वे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो सेरोलॉजिकल सर्वे देखोगे कि दिल्ली में ये आपका बहुत फेमस था दिल्ली में क्योंकि इससे पता ये किया गया कि अप्रोक्स जो दिल्ली का पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ट्वेंटी टू समथिंग परसेंट लोग इस वायरस से पीड़ित हो चुके थे तो देखो सब का ऐसा तो नहीं है कि सब का कुछ हो जाता होने पे कुछ लोगों को ही प्रॉब्लम होता है ठीक है तो ये आपका है इट सिक्स टू एस एस

कि लोगों को वो कही कही पास्ट में जो IgG एक आपका IgG ठीक है IgG एंटीबॉडी जो है वो डेवलप किए इसका मतलब है कि वो एक्सपोज हुए एक्सपोज हुए इसका मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर तरीका से वो पीड़ित हो गया और उनको हॉस्पिटलाइज करने की ये जरूरत है ठीक है तो ये एक्चुअली ये बताता है कि वो जो जिनको भी जो पहले पीड़ित हुए तो वो उस डिजीज से रिलेटेड कुछ इम्यूनिटी डेवलप डेवलप कर लिए तो इनफैक्ट जितना अच्छा इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है उतना अच्छा ये होता है तो ये सिर्फ पास्ट के केसेस के बारे केसे के में बताता है एक्टिव केसेस या के एक्टिव टेस्ट जो है वो उसके बारे में नहीं बताता है तो इसका आंसर ए हो जाएगा तो इस दसो क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं आई होप इंजॉय दिस सेशन और अच्छा लगता है तो लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस